गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के आगमन के साथ शायद नई छोटी सरकार का भी आगमन हो जाए। इसीलिए गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने एवं आगामी रणनीति के तहत दिशा निर्देश देने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर लगातार कार्यकर्ताओं के निवास या कार्यालय पर जाकर संपर्क साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आपके युवा जिला अध्यक्ष नितिन बत्रा के कार्यालय पर पहुंचे अशोक तंवर का ढोल नगाड़ों एवं फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में हो, इसके लिए आपके युवा मोर्चा को निरंतर प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर तंवर ने गुरुग्राम की जन समस्याओं पर आवाज़ बुलंद करने के लिए जिला युवा अध्यक्ष नितिन बत्रा की पीठ भी थपथपाई। आम आदमी पार्टी की खासियत यही है, यहाँ बड़े से बड़ा नेता भी आम है और चाहे जितनी बड़ी पदवी पे हो वो और कार्यकर्ता एक जैसे ही हैं। तो वो यहाँ हमारे जो अशोक तंवर जी, उन्होंने यहाँ पे आके हमारा मनोबल बढ़ाया है, हमें बहुत मोटिवेट किया है और मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े नेता हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे आए थे और कहते हैं कि हाँ जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे खड़ा मिलूंगा। तो मैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के। जहाँ त्यौहार की शुभकामनाएं हम सब साथियों को देने के लिए, जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे आम जनता है, उनको देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उसके साथ साथ इस गुड़गांव के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, 3500 सफाई कर्मचारियों को जब से हटाया है पूरे हरियाणा के अंदर, सफाई कर्मचारी हमारे भाई हमारी बहनें वो हड़ताल पर हैं और ऐसे में क्योंकि तकलीफ है उनको तो हमारा समर्थन भी है, लेकिन साथ साथ सरकार को कूड़े का प्रबंधन करना चाहिए क्योंकि पिछले लंबे समय से उसके अभाव में पूरा शहर जो है वो अपने आप में कचरा घर बन गया है। तो इसका समाधान जितनी जल्दी निकले उतना अच्छा है। बाकी आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है और जैसा वो चाहेंगे हम वैसा उनको समर्थन देंगे। अगर उनको लगता है उनके लिए संघर्ष करना है तो संघर्ष भी करेगी पार्टी। बाकी हमारे साथी अलग अलग समय पर जाकर के समर्थन देकर के आए हैं और मैं तो सरकार से, खट्टर साहब से यही विनती और प्रार्थना करूँगा, जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप लोग तो अपने घरों में बैठे हो, दिवाली मना रहे हो, इन हमारे भाई बहनों को क्यों लंबे समय से संघर्ष करने के ऊपर मजबूर कर रखा है और उससे आम जन को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी समाधान करें ताकि सब लोग अपनी अच्छे से दिवाली मना सकें।